वहीं उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश की संभावना जताई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आज भी रहेगी, और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट में। कल भी स्थिति ऐसी ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है, आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूंगा कि एक आधुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने चाहिए, तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31st में और 1st में भी रहने वाली एक्टिविटी, तो मैं कहूंगा कि 30th से आगे जो है काफी राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर में राहत मिलेगी और जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। तो इस तरह की स्थिति है।